हाय फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि YouTube में थंबनेल जो लगता है वो कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में उसी को जानेंगे कि YouTube का थंबनेल हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जिसके बारे में आपको जानना हो या पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बाहर का नॉइज अधिक है आज थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, हमें तो वीडियो बनाना था तो इसलिए मैंने बना ही लिया, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सीखेंगे और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ पाइएगा कि क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग पहले प्ले स्टोर में आ जाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर में आएंगे, यहाँ पर पिक्सल लैब सर्च करेंगे। देखिए पिक्सल लैब सर्च करेंगे, ये खुलेगा। ठीक है, ये ऐप्स को मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, आप इस ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए कितना यूज़र है, डाउनलोडिंग यूज़र 50 मिलियन है, रेटिंग इसका 4.3 है, इसलिए इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग ओपन करते हैं उसको। ठीक है, पहले से मेरा ओपन होगा तो हमको बंद करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको ओपन करेंगे। ये पहले मेरा बना हुआ था, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मैं इस तरह का मैंने एक थंबनेल बनाया था। ठीक है, हम नया पेज लेते हैं। नीचे जो देख रहे हैं जैसे ही खुलेगा इसी तरह का खुलेगा, तो हम लोग पहले देखते हैं जो आपको देखना है। यहाँ नीचे जो देख रहे हैं, नीचे जो लिखा हुआ है, ये इतने सारे तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको जिस तरह आपको लेना है आप जिस तरह का दे सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जैसा आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है तो ये यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ओपन करके आप प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। तो मुझे एक सिंपल सा कोई भी एक चीज़ खोलते हैं, सपोज दैट मैं ये खोला। ठीक है, इसका साइज कैसे, थंबनेल का साइज मैं एडजस्ट करूँगा उसके लिए है। इमेज में जाएंगे, इमेज सेटिंग करेंगे, क्रोम यहाँ पर जाइए, देखिए वीडियो यूट्यूब थंबनेल है, ओके करेंगे। देखिए ये यूट्यूब का थंबनेल जो बनेगा वो साइज में ऑटोमेटिक आ गया। अब आपको जो भी चीज़ लगाना है आप लगा सकते हैं। लिखने के लिए टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जा करके एडिट का ऑप्शन इनेबल करेंगे। ठीक है, एडिट में आएंगे तो जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। सपोज दैट मैं अपना नाम ही लिखता हूँ। ठीक है, मैं लिखा। अब इसको कलर अगर करना है तो इसमें कलर फ्रंट सब दिया हुआ है, कलर भी करना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं, वाइट में है, ब्लैक में है, रेड में है, जैसा आप करना चाहते हैं। बहुत सारे कलर हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर हैं, आप जो कलर में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। स-
सपोज दैट मैं ये कलर ले लिया, ठीक है, ओके करेंगे। अब मान लीजिए साइज को आपको, फॉन्ट साइज जो है आपको किस फॉन्ट में लिखना है वो भी आप दे सकते हैं, कि मान लीजिए मैं इस फॉन्ट में देना चाहूँगा, फॉन्ट करके ओके करूँगा, देखिए इस फॉन्ट में वो लिख दिया, ठीक है। ठीक है, आपको जैसा लिखना है लिख सकते हैं। अब इसमें सवाल आता है कि मैं और इसमें फ़ोटो कैसे ऐड करूँगा, लिखने के लिए मैंने बता दिया, इसमें जाएंगे बीच वाले में, इसमें इनपुट में जाएंगे, ठीक है, ठीक है, इनपुट में जाएंगे तो फ़ोटो आपका जो भी होगा आप फ़ोटो लगा सकते हैं, जो फ़ोटो आपको लगाना है। सपोज दैट मेरे पास फ़ोटो में, लेकिन आप इसमें बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसके लिए आप पिछली वीडियो में बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैंने जो बताया था उससे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सपोज दैट मैं इसको लिया तो इसमें बैकग्राउंड मेरा देखिए है, ये रिमूव नहीं है, अगर मैं इसे रिमूव करूँगा तो कैसे करूँगा उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो इसको अगर लेंगे तो पूरा बैकग्राउंड आएगा, अगर मैं इसको नहीं लेना है तो हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको। और सपोज दैट मैं बैकग्राउंड रिमूव किया वाला लेना चाहूँगा, तो मेरे पास है एक बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ, मैं ओके करूँगा। इसको बड़ा छोटा करने के लिए ऊपर उठा करके ये देखिए कॉर्नर में जाएंगे तो ये बड़ा छोटा हो सकता है, आपको जिस साइज का लेना है कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आपको उसके बाद इसको लॉक कर दीजिएगा तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ लॉक का ऑप्शन है, लॉक कर देंगे तो लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर और दूसरा फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो लगा सकते हैं बगल में, और दूसरा फ़ोटो लगा करके अगर लगाना चाहते हैं, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से लगाएंगे। जैसे मैं टेक्निकल का बनाता हूँ तो मैं एक कंप्यूटर लगाना चाहूँगा, तो सपोज दैट माई, ठीक है, मेरा फ़ोटोज़ के अंदर है, ठीक है, ऑल फोटोज़, ठीक है, मेरा मैं एक कंप्यूटर का लगाना चाहूँगा तो मैं इसका अगर लगाना चाहता हूँ ओके करूँगा, देखिए ये मेरे पास आ गया, इसका साइज मैं छोटा कर लूँगा, ठीक है, मैं इस जगह लगा दिया इसे, ठीक है, लगा दिया। अब यहाँ पर मैं अगर और कुछ लिखना चाहूँगा, जैसे अपना चैनल का नाम, सब्सक्राइब का, अगर सब चीज़ आप ले सकते हैं, उसके लिए आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आप ले सकते हैं सब चीज़। मैं सब्सक्राइब का एक लेता हूँ, सब्सक्राइब का ऑप्शन, कि मैं जो भी चीज़ थंबनेल में दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि ये मेरा है, ये ऐसे करके कर सकते हैं आप, ठीक है। अब चैनल का नाम लिखना चाहते हैं या कुछ भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, आप अपना बढ़िया सा थंबनेल बना सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, बना करके। अब सेव कैसे करेंगे, सेव का ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ऊपर में देखिए फ्लॉपी जैसा जो बना है, सेव में जाएंगे, प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट जो काम कर रहे हैं उसके लिए वो प्रोजेक्ट है, सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज, हमको सेव एज इमेज में जाना है, ठीक है, इसमें जा करके उसके बाद क्रोम में जाएंगे, उसके बाद क्वालिटी में जाएंगे, सॉरी जेपीजी है, फॉर्मेट है, फॉर्मेट हुआ जेपीजी, जेपीजी में बनाएंगे, पीएनजी हमको फॉर्मेट नहीं बनाना है, ठीक है, जेपीजी में बना रहे हैं। और उसके बाद इसका क्वालिटी है, इमेज का जो क्वालिटी है वो कितना रखना है, अल्ट्रा रखना है, आपको जिसमें भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, मैं अभी इसमें रखूँगा, ठीक है। और ये सेव टू गैलरी करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव टू, जैसे ही मैं गैलरी करूँगा, इसमें थोड़ा हल्का ऐड चलता है इसलिए इसको स्किप कर दीजिएगा, बाहर निकल जाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरा फ़ोटो सेव हो गया, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं बाहर निकल गया। अब गैलरी में हम जाएंगे, फिर से गैलरी में जाएंगे, ये देखिए हो गया ना, ये मेरा फ़ोटो सेव,
इस तरह करके आप थंबनेल आप कुछ भी बना सकते हैं और वीडियो में लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीख रहे थे थंबनेल कैसे बनाते हैं और किस तरह बनाएंगे। आपकी इच्छा जिस तरह बना सकते हैं और किस ऐप से बनाए हम लोग, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ने पूरा थंबनेल के बारे में बता दिया कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, कैसे किस तरह करते हैं, ठीक है। और आगे वीडियो में हम लोग बाद में सीखेंगे कि YouTube जो हम लोग का है चैनल, उसमें हम लोग थंबनेल कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए हम लोग बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, उसके लिए मैं छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग को समझ पाए, ठीक है। तो जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी लिख सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो हमें बना के डालो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, बाय।